करते हैं आपके अपने चैनल शिवानी स्टडी हब में। जैसे बहुत सारे बच्चों के ये डाउट्स हैं, क्या मैम जेआरएफ वाले जो स्टूडेंट हैं जिनका जेआरएफ क्वालिफाई है या नेट क्वालिफाई है, क्या उनको रेट की परीक्षा देनी है? ठीक है, तो हम लोग ये डीडीयू का जो ऑफिशियल एक नोटिस है जिसमें आपसे रिसर्च पीएचडी एडमिशन के रिगार्डिंग दिया गया है, तो इसको एक बार देख लेते हैं। ऑलरेडी मैं ये वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ इस टॉपिक से रिलेटेड, लेकिन एक बार बहुत सारे बच्चों के डाउट्स थे तो सारे डाउट्स आज इस वीडियो में क्लियर करेंगे। क्या फ़ायदा है जो रेट वाले हैं और रेट एग्जेम्प्ट, दोनों चीज़ें इस वीडियो में हम लोग क्लियर करेंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। बात करें अगर हम पीएचडी रेट एंट्रेंस परीक्षा की, एडमिट कार्ड जो जारी कर दिया गया है और डायरेक्ट जो भी लिंक है मैंने वहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दी है, वहाँ से आप डायरेक्टली जाकर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और अपना कोर्स जो भी है, सारे सब्जेक्ट के एडमिट कार्ड रिलीज कर दिए गए हैं। अगर आपको प्रीवियस ईयर के पेपर चाहिए तो प्रीवियस ईयर पेपर के लिए आप हमसे परचेस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। जिन बच्चों का अगर नहीं डाउनलोड हो रहा है तो कुछ समय का वेट करें, जल्दी आपको एडमिट कार्ड अपलोड हो मिल जाएगा। ठीक है, बात करें यहाँ पर अगर रेट एग्जेम्प्ट और रेट क्या है परीक्षा। सबसे पहले तो हम यहाँ पर ऑफिशियल जो नोटिस दी गई है डीडीयू के द्वारा पीएचडी एडमिशन के रिगार्डिंग वो हम देख लेते हैं। रेट एंट्रेंस एग्जेप्शन ये है ना, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कुछ पॉइंट, JRF, UGC, CSIR, DBT, ICMR, ICMR, DRDO, ICSSR, मतलब ये सारे जो पेपर्स हैं यार क्वालिफाइड आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम द एंट्रेंस टेस्ट। कहा गया है कि अगर जो भी ये सारी चीज़ें, मतलब इसमें से अगर आप नेट क्वालिफाइड हो, JRF क्वालिफाइड हो, यहाँ पर नेट नहीं JRF की बात किया है, तो ऐसे केस में आप एंट्रेंस टेस्ट से एग्जेम्प्ट हो। ठीक है, आपको छूट मिलेगी। दूसरा कह रहा है फुल टाइम टीचर ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट इन एट कॉलेज एंड गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज रिलेटेड टू गोरखपुर यूनिवर्सिटी, मतलब ये। ठीक, तो ये आपका दिया गया है एग्जाम। अब काफ़ी बच्चे पूछ रहे हैं कि क्या मैम पेपर देना होगा, तो एक बात हम बता दें आपको, पहले सारी चीज़ें हम क्लियर कर दें उसके बाद आपको ऑटोमेटिकली इसका सॉल्यूशन पता चल जाएगा। चीज़ों को समझ लेते हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले अगर हम यहाँ बात करें रेट और रेट एग्जेम्प्ट, ठीक, मतलब रेट वो परीक्षा है जो कि जो ना नेट क्वालिफाई है ना JRF क्वालिफाई है उनके लिए, मतलब सभी लोग इस परीक्षा को दे सकते हैं। ठीक है, वो रेट परीक्षा। रेट एग्जेम्प्ट का मतलब वो बाकियों के लिए है लेकिन आपके लिए नहीं है, मतलब जो नेट JRF क्या है क्वालिफाई है। ठीक है, जो नेट JRF क्वालिफाई हैं वो क्या हो सकता है, डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं, डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए जो भी सिनॉप्सिस है, रिसर्च प्रपोजल है उसके थ्रू। और यहाँ पर अगर मान लो यहाँ पर रेट जो बंदा एग्ज़ाम दिया उसका रेट एंट्रेंस क्वालिफाई हो गया, ठीक, और इसका भी अगर नहीं क्वालिफाई हुआ और हुआ तो दोनों क्या है इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। अब इंटरव्यू में एक ही डेट पर एक ही डिपार्टमेंट, मान लीजिए इसने कॉमर्स से पास किया और इसने भी, इसका भी कॉमर्स से ही, तो दोनों लोग का इंटरव्यू एक ही डिपार्टमेंट में, सेम डिपार्टमेंट में, सेम डेट पर, सेम जगह पर इंटरव्यू होगा। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है कि तो यहाँ पर सीधा सा बात है कि जो रेट एग्जेम्प्ट है, आपको डायरेक्ट आप रेट एंट्रेंस देने के बाद अगर आप इंटरव्यू में जाते हो तो वहाँ भी आपको वेटेज मिलेगा, लेकिन आपको जो रेट परीक्षा है जो 10 अगस्त को है वो आपको ये देनी ही देनी है। ठीक है, 10 अगस्त को ये आपको पेपर देनी ही देनी है। नहीं भी अगर क्वालिफाई करते हो तो आप डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए भी आपको बुलावा आ जाएगा। ठीक है, उसके लिए परेशान नहीं होना है, तो आप रेट परीक्षा ज़रूर दीजिए। ठीक है, काफ़ी ठीक, तो आपको वेटर्स जो है वो आपको इंटरव्यू में मिलेगा। ठीक है, बात करें और क्या क्या आप लोग के डाउट्स हैं। ठीक है, मान लो जस्ट एज एग्जांपल अगर हम कहें कि मान लो यहाँ पर रेड जो परीक्षा दे रहा है, ठीक, मान लो जो रेड है यहाँ पर वो 10 सीट है एज एग्जांपल, और जो नेट JRF क्वालिफाई उनके लिए 10 सीट है, मान लो ऐसा सीट है, तो अगर आप इसके थ्रू जाते हैं तो आपके पास क्या है, 20 सीट के लिए आपके पास मतलब मौका है यहाँ पर।
ठीक है, यहाँ पर ठीक है। और वैसे सिर्फ अगर आप देते हो सिर्फ डायरेक्ट इंटरव्यू को तो सिर्फ आप 10 सीट के लिए एलिजिबल हो, अगर आप रेट के थ्रू एंट्रेंस के थ्रू दे जाते हो तो आप क्या है दोनों सीट के लिए मतलब 200 सीट के लिए एलिजिबल हो। तो बात करें आपका फाइनली आई थिंक डाउट क्लियर हो गया होगा कि आपको रेट जो परीक्षा है एंट्रेंस परीक्षा वो आपको देनी है, ठीक है। इंटरव्यू में आपको वेटर्स मिलेगा, इंटरव्यू ये भी रेट इंतज़ाम नहीं क्वालिफाई करते हो तो भी आपको डायरेक्ट इंटरव्यू में उसका वेटर्स मिलेगा, उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। तो आपको रेट एग्ज़ाम की तैयारी करिए, उसको अच्छे से पेपर दीजिए, ठीक है, जिनका भी नेट JRF क्वालिफाई है। आई थिंक आई होप यू आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में पिन कर सकते हो। एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लो, डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है। ओके, थैंक यू।